नमस्कार दोस्तों, एग्जाम भी में आपका स्वागत है। नाम चंद्र प्रकाश जोशी, मैं आरबीआई में पहले एजीएम के पद पर कार्य कर रहा था और मैंने यस बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्य किया है। आरबीआई मैंने ज्वाइन किया था 2004 में एज ए ग्रेड बी ऑफिसर। इस वीडियो में हम बात करते हैं इन ऑर्डर टू सक्सीड एज बिल कोस्बी सेज, Your desire for success should be greater than your fear of failure. आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपकी जो असफलताओं का डर है वो खत्म हो जाए। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में उन 300 महत्वपूर्ण प्रश्न की जो आपको आरबीआई 2022 के एग्जाम में काम आने वाले हैं। ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज में। ये प्रश्न मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उन्होंने एक अनाउंस किया है प्रोजेक्ट टू लिंक देयर रेस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम। जो रेस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और आरबीआई का, तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का कौन सा वो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, ये प्रश्न में पूछा गया था। आप लोगों ने सही आंसर दिया। देखिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। पे नाउ सही आंसर है। नाउ जो इंडिया, जो सिंगापुर का मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का फास्ट पेमेंट सिस्टम है, वो इंडिया के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के साथ काम करके एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो है, जो प्रोजेक्ट है, इसके ऑपरेशनलाइज, प्रोजेक्ट तो अभी शुरू हो जाएगा, पर जो एक बढ़िया सिस्टम बन के आएगा दोनों को मिला के, वो जुलाई 2022 तक ऑपरेशन होने की संभावनाएं हैं। आज का पहला प्रश्न, आरबीआई ने जो थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करी है, जो डिपॉजिट्स हैं और अदर एक्सटेंशन ऑफ फंड हैं नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स के लिए, 5 करोड़ से लेकर कितना अमाउंट तक इंक्रीज किया है, जिससे कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है बासल 3 फ्रेमवर्क के अंदर, उसको मेंटेनेंस करने में हेल्प होगी। और इसका सही उत्तर है 7.5 करोड़। आरबीआई ने जो लिमिट बढ़ाई है, बढ़ा के 7.5 करोड़ कर दी है। एंड ये एप्लीकेबल है सभी कॉमर्शियल बैंकों के लिए अदर देन आरआरबी, लोकल एरिया बैंक एंड पेमेंट बैंक। एग्जाम्पल लर्निंग एक्सपीरियंस आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प करता है, आपकी प्रिपरेशन को 50% फास्ट बनाने के लिए। दोस्तों याद रखो, समय आपका सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। टाइम इज योर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। 3 स्टेप होते हैं आपकी तैयारी में। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी, फिर आपको डाउट क्लेरिफिकेशन, अगर आप सच में अच्छे से स्टडी कर रहे हैं डाउट तो आएंगे आएंगे, और फिर आपको करनी है एग्जाम की प्रैक्टिस 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 स्टडीज में, क्योंकि एग्जाम के पास शॉर्ट नोट्स हैं। हमारे वीडियोस 15 मिनट लेंथ के होते हैं मैक्सिमम, और क्रिस्प नोट्स होते हैं 5-7 पेजेस के बीपीडीएफ, जो हम 5 न्यूज़पेपर कंपाइल करके आपके लिए बनाते हैं, आपका टाइम बचाते हैं। और लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं फैकल्टी से फेस टू फेस, वीडियो में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। वहां पर एक ऑप्शन है, वीडियो में आप डाउट पूछेंगे आपको आपके ईमेल पर रिप्लाई मिलेगा, और मेंटर्स से आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनके फोन नंबर आपके पास हो सकते हैं, उनसे भी आप कोर्स रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है मेक माई टेस्ट। आप अपनी डिफिकल्टी, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल तय करके, अपने क्वेश्चन चूज करके आप तैयारी के लिए मेक माई टेस्ट बना सकते हैं अपने लेवल का। और चैप्टर टेस्ट में भी हमारे पास इजी, मॉडरेट और हाई डिफिकल्टी लेवल के टेस्ट हैं। आप चूज कर सकते हैं कहाँ आपको करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस और साथ में आपको आंसर्स मिलेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि आपको एग्जाम के लिए एग्जैक्टली करना क्या है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी पर्सनलाइजेशन का। यहाँ पे सबके लिए एक सा नहीं होगा। आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, कौन सी वीडियो को तेज पढ़ना है, किसको 4 बार सुनना है, छोटे छोटे वीडियो हैं, और आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास क्वेश्चंस हैं। अगर आपको 1500 वीडियो में से 200 वीडियो स्किप करने पड़े तो समझ लो आपको कितना टाइम बच गया। लेकिन कैसे पता लगेगा, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन करके, जिसमें आपको आंसर ठीक हो रहे हैं वो वीडियो आप स्किप कर लो। और आपको डाउट क्लेरिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है फेस टू फेस।
101 आप फैकल्टी के साथ 101 सेशन बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं क्वेश्चंस जो आपके तैयारी के हिसाब से फिट बैठते हैं, क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और अगर इजी क्वेश्चन है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए और इसलिए एग्जाम भी आपके टाइम से पर का है। एज पर द रिसेंट डेटा एनपीएस फाउंड फंड क्लॉक्ड अप टू 12% व्हाइल एपीवाई अटल पेंशन योजना ने जो ग्रोथ रजिस्टर की 9.5% जब से उनका इंसेप्शन हुआ है। तो एनपीएस और एपीवाई किस संस्था द्वारा, किन संस्थाओं द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं? का सीधा जवाब है पीएफआरडीए। जो पीएफआरडीए बना 2003 में, उसका एम ही यही था कि कैसे इंडिया में पेंशन को प्रमोट किया जाए, रेगुलेट किया जाए, पेंशन सेक्टर को डेवलप किया जाए, बिकॉज सरकार के अलावा तो पेंशन मिलती ही नहीं थी कहीं। इसके लिए दो स्कीम लगाई पीएफआरडीए ने, एक है नेशनल पेंशन स्कीम और दूसरी है अटल पेंशन योजना। नेशनल पेंशन स्कीम सभी देशवासियों के लिए जो 18 से 70 साल की उम्र के हैं वो एलिजिबल हैं, चाहे आप घर पे बैठे हों, चाहे आप किसी प्राइवेट संस्था में काम करते हों। लेकिन एपीवाई केवल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है। 2015 में ये शुरू की थी। इनमें से कौन सा मेथड है जो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है? और आपने शायद ये टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया होगा, वैल्यू एडेड मेथड। तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ये तीनों याद होते हैं। वैल्यू एडेड मतलब प्रोडक्शन मेथड, कि क्या वैल्यू एड हुई किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में। और इंडिया में जब हम जीडीपी मेजर करते हैं वो हम दो मेथड यूज कर रहे हैं। एक तो वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, आपको ये मिलेगा अभी बजट या कभी भी आप जीडीपी का नंबर देखेंगे। और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, कितना खर्चा हुआ। क्योंकि इनकम, बहुत सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इनकम कैश में नहीं आ रही है, कैश में आ रही है, अकाउंट में नहीं आ रही है, या सैलरी के रूप में ना आके वो डेली वेजेस के रूप में अन कर रहे हैं, दुकानदार अपना सेल जो कर रहे हैं उससे अन कर रहे हैं, तो इनकम मेजर करना मुश्किल है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ये ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाएगा कि भाई इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, या ये कॉस्ट ऑफ गुड मेथड तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज ऐसे ऑप्शन बनाने में तो दिक्कत होती है ना। तो जब हम कोई प्रश्न कर रहे हैं तो ऑप्शन पर जाना बहुत जरूरी है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीएम कुसुम स्कीम? पीएम कुसुम स्कीम का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। पीएम कुसुम स्कीम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम, जो 2019 में शुरू करी गई थी फार्मर्स के लिए एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के रूप में। और ये जो इंडिया का कमिटमेंट है कि 2030 तक हम जो ग्रीन एनर्जी है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, उस एनर्जी को 40% तक बढ़ाना है 2030 तक, उसको पूरा करने के लिए ये स्कीम लाई गई है और आती है ये MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। इसमें तीन कंपोनेंट है, इतनी आपको जानकारी एग्जाम के लिए काफी है। इनमें से कौन सा करेक्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में, PLI? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इज द सिंगल नोडल एजेंसी फॉर PLI। डिसाइड्स इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेटअप शॉप इन इंडिया, द स्कीम एम्स टू एनकरेज लोकल कंपनीज टू सेटअप और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Adding any new PLI scheme require approval of the Union Cabinet. ये दोनों सही हैं। और नोडल मिनिस्ट्री जो है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज हो जाएगा, फूड से रिलेटेड का तो फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा। अगर इसमें किसी को ऐड करना है न्यू सेक्टर को, तो उसके लिए यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.97 लाख करोड़ का आउटले इसके लिए अनाउंस किया है 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए, जो हमने
यहां पर बात की, इसका एम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए ये पीएलआई स्कीम है। इनमें से कौन सी कमेटी है जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम किया है इंडिया में? और आपको याद होगा कि पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम कई सारी कमेटीज ने किया है, चारों ही सही है यहाँ पे। पहला था ग्रुप, वर्किंग ग्रुप 1962 में, दूसरे थी डांडेकर कमेटी, डांडेकर एन एन रथ और 1971 में, और वाई के अलग कमेटी 79 में, और लखड़वाला कमेटी 93, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 और सी रंगराजन कमेटी 2014। तो कमेटी के नाम आपको याद होने चाहिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो। ट्रंकेशन सिस्टम कौन ऑपरेट करता है, कौन सी संस्था ऑपरेट करती है? इसका उत्तर है एनपीसीआई, और एनपीसीआई एज पर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, एनपीसीआई इन सारे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है हमारे देश में। आईएमपीएस, यूपीआई, एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, भीम, यूएसडीडी। यूएसडीडी क्या था? जो पुराने मोबाइल में, मतलब जो जिनमें अभी स्मार्टफोन नहीं है उनमें जो सर्विस आती है ये यूएसडीडी कहलाती है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एफिलिएशन ऑफ रुपे कार्ड, नेशनल ऑटोमेटिक क्लीयरिंग हाउस NACH, फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए आपको। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें बेसिकली पहले फिजिकल चेक भेजते थे, अब क्या करते हैं चेक की इमेज स्कैन कर लेते हैं और उसको दूसरे बैंक में भेजा जाता है चेक पास करने के लिए, फास्ट हो जाता है उससे। ये सारे ही सारे पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई यूज करती है, और एनपीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ है आप कमेंट में लिख देना। तो CRR has been recently increased to 4.5% बढ़ा कर दिया है CRR RBI ने। CRR जब हम कैलकुलेट करते हैं ये 4.5% तो किसका परसेंटेज, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किस परसेंटेज होता है, आंसर है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, RBI की नजर से बताया हुआ है। और हमारे केस में अभी ये 4.5% हो गया है, 21 मई से CRR बढ़ा दिया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि एक इससे जो है 78,000 करोड़ रुपया लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में, और SLR में कोई चेंज नहीं किया है, 18% है, 18% ऑफ NDTL। और ये ANBC कब यूज करते हैं हम, जब हमें प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट PSL, जब प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट निकालनी होती है तो हम एज ए परसेंटेज ऑफ ANBC यूज करते हैं। और RWA का यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है, रिस्क रिलेटेड एसेट्स होते हैं। 2022 में RBI ने नए, अभी की बात है मई की, एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को देखेंगे। उनका नाम है डॉक्टर राजीव रंजन, और डॉक्टर राजीव रंजन जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी मेंबर होंगे, एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस। RBI ऑल्सो अपॉइंटेड डॉक्टर सीतिकांता पटनायक, उनको भी, वो भी ईडी अपॉइंट हुए हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च DEPR को देखेंगे। दोनों नाम याद होने चाहिए। इनमें से कौन सा कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में सही है? तो CMB, आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर्स पढ़े हों या हमारे नोट्स पढ़े हों तो आपको याद होगा कि CMB क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं शॉर्ट टर्म कैश मिसमैच को मैनेज करने के लिए, सरकार के पास पैसे की कमी पड़ रही है तो CMB इशू करेगा, कोई बैंक या कोई और संस्था खरीद लेगी। मैच्योरिटी पीरियड इनका 182 डेज नहीं है, और एडेड डिस्काउंट दिए जाते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, जो बेनिफिट देना है, जो इंटरेस्ट का बेनिफिट देना है वो एडेड डिस्काउंट बेच के दिया जाता है। तो ऑप्शन आंसर अपना जो सही है वो है 1, 2 and 4, क्योंकि इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज से कम होता है। शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेरी कैश मैनेजमेंट के लिए एट ए डिस्काउंट जाते हैं। गवर्नमेंट यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के जो यील्ड है उनमें जब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी यील्ड, तो RBI ने ऑपरेशन ट्विस्ट का यूज किया गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। यील्ड जब बढ़ गई तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इनमें से कौन सही से एक्सप्लेन करता है ऑपरेशन ट्विस्ट को, और मैंने
ऑपरेशन ट्विस्ट पे एक वीडियो भी बनाया था, आपको मिल जाएगा चैनल पे। जब गवर्नमेंट बॉन्ड का, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का आरबीआई खरीद रहा है और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। तो साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड टू मैनेज द यील्ड, टू मैनेज द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। इसको देखेंगे साइमल्टेनियस परचेज ऑफ द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेल ऑफ द शॉर्ट टर्म। तो कैसे होता है, बाई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की मार्केट बढ़ जाएगी, तो मार्केट बढ़ जाएगी तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस और यील्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्राइस बढ़ेगा तो उनमें यील्ड कम हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यील्ड कम हो जाएगी, और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या कर रहा है, आरबीआई उसमें सेल कर रहा है, तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, यानी कि उसमें जो प्राइस है वो गिर जाएगा शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म बॉन्ड का, और उससे उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। अब इनकी यील्ड कम हो गई लॉन्ग टर्म वालों की, शॉर्ट टर्म वालों की यील्ड बढ़ गई, तो इससे जो प्रीमियम था, प्रीमियम क्या है, डिफरेंस बिटवीन द यील्ड ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अगर आप ऐसे उसको बनाओगे यील्ड कर्व को, तो अगर शॉर्ट टर्म में कोई इंटरेस्ट 3% है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 8% है, तो अब ये 3.5% हो गया माना, और यहाँ पे 7.5% हो गया, तो ये जो प्रीमियम था, ये जो 5% प्रीमियम था, अब ये गिर के 4% रह गया बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ट्विस्ट। तो गवर्नमेंट को जो बोरिंग कॉस्ट है वो इससे कम हो जाएगी, और आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। इनमें से कौन है, इनमें से कौन सा जो है संस्था है जिसने एक रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट की है कि 43 रीजनल रूरल बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बनाया, कन्वर्ट करने दिया जाए, जिससे कि उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। इसका उत्तर है एसबीआई। एसबीआई ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, और लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब क्या है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक कुछ कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया उनको ऑपरेट करने की परमिशन नहीं होती, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को होती है। तो इसमें एसबीआई ने ये कहा है कि भाई इन 43 रीजनल रूरल बैंक को कि आरबीआई इनको अलाउ करे, जैसे आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो एनबीएफसी है कुछ, उनको अलाउ किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस, जिससे कि उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इंटरेस्टिंग स्टडी है। कॉल मनी मार्केट रिफर्स टू द बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर, कितने दिन के लिए जो लेंडिंग है बोरिंग होती है उसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं, और इसका आंसर है वन डे ओवरनाइट मार्केट होती है, जिसमें अनकोलोटलाइज्ड लेंडिंग होती है, क्योंकि ट्रस्ट होता है केवल जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर्स, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको ओवरनाइट मार्केट को बोलते हैं कॉल मनी। नोटिस मनी होती है 2 से 14 दिन, और 15 दिन और उससे ऊपर 1 साल तक को बोलते हैं टर्म मनी मार्केट। मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी मार्केट इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ आपको, मनी मार्केट आरबीआई मैनेज करता है इस देश में, आरबीआई ही इसका रेगुलेटर है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहता है आरबीआई का, तो मनी मार्केट के बारे में ये क्लासिफिकेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक जो है वो कंटिन्यू हो किए जा रहे हैं आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डीएसआईबी। व्हाट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ टियर 1 इक्विटी, टियर 1 इक्विटी का कितना एडिशनल अमाउंट इनको रखना है, एसबीआई को रखना है, क्योंकि ये अलग अलग है एक्चुअली अलग अलग बैंक के लिए, तो एसबीआई को कितना एडिशनल टियर 1 इक्विटी रखनी है, क्योंकि एसबीआई को भी डोमेस्टिक एसआईबी कंसिडर किया है 0.6%, और अगर आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक होता तो उसके लिए कम है 0.2% एडिशनल, ये एडिशनल है कॉमन टियर 1 इक्विटी में, एडिशनल इतनी इक्विटी उनको रखनी है, क्योंकि जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं उनके साथ एडिशनल रिस्क क्या है कि अगर ये बैंक कोलैप्स हुआ तो बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डुबा ले जाएगा साथ में, तो ये एडिशनल रिस्क को कवर करने के लिए इनको एडिशनल टीयर 1 इक्विटी रखनी है, और ये 3 बैंक का नाम है इसमें, एसबीआई जो है ब्रैकेट 3 में है,
और आईसीआईसी और एचडीएफसी ब्रैकेट वन में है, तो उनके लिए कम है रिक्वायरमेंट। ये जो बजट है अपना करंट बजट 22-23 प्रपोज टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, और ये जो 75 डिजिटल बैंकिंग होंगी वो 75 देश डिस्ट्रिक्ट में लगेंगी बाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आरबीआई केम आउट विद द गाइडलाइन की फॉर डीबीयूज इन अप्रैल 2022 कौन सा विच आर एप्लीकेबल टू बी डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या आरआरबी। तो उत्तर है इसमें आरआरबी, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर लोकल एरिया बैंक भी इसमें एक और ऑप्शन होता तो आपको ध्यान रखना है ये तीन बैंकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगानी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये 2010 में शुरू हुई थी, इसकी सारी रेगुलेटरी बॉडीज का रिप्रेजेंटेशन है एसएफडीसी में और ये आरबीआई गवर्नर द्वारा चेयर किया जाता है। इसको आपको याद होना चाहिए कि एसएफडीसी जो है वो सर्वोच्च लेवल की बॉडी है फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री, तो इसको हेड कौन कर रहा है, आरबीआई गवर्नर तो हेड नहीं कर रहा है इसको, दिस इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 2010 में थी और रेगुलेटरी बॉडी जिसमें होती हैं ये करेक्ट है 2010 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बनाई गई, और ये जो बॉडी है ये देखती है मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जो भी हमारे देश में चल रहे हैं और उनका जो सुपरविजन चल रहा है इकोनॉमी का, जो बड़े फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट हैं, और कोई भी इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि अगर आप इसके मेंबर देखेंगे तो इसमें आरबीआई भी है, सेबी भी है, नाबार्ड भी है, पीएफआरडी, आईबीआई, आईएफएससी, ये सारे ही हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, आरबीआई गवर्नर तो होंगे ही, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये भी वहां होंगे और ये रेगुलेटर्स तो वहां पर है ही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बॉडी है फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड फॉर कवरेज अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, और कितना परसेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन सब्सिडीज लेने के लिए फूड ग्रेन्स में जो सब्सिडीज मिलती हैं अपने को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टारगेटेड पीडीएस के अंदर, तो इसमें करेक्ट आंसर है रूरल पॉपुलेशन के लिए है 75 और अर्बन पॉपुलेशन के लिए है 50%। तो इस तरीके से ले ये जो सब्सिडीज हैं करीब 2/3 पॉपुलेशन को कवर कर देती हैं, और जो कवरेज है हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन को वो दो कैटेगरीज में है, कैसे, हाउसहोल्ड कवर्ड अंडर द अंत्योदय अन्न योजना एंड द रिमेनिंग हाउसहोल्ड एज ए प्रायोरिटी हाउसहोल्ड। सारे हाउसहोल्ड को नहीं मिलती है ये स्कीम, क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप में उनको ही मिलनी चाहिए, बट इसमें भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन कवर हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम लॉन्च की है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ODBB, जिससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में। कौन सी एजेंसी इस स्कीम को लॉन्च कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसका आंसर है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इस ओबीडी को चालू कर रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, और ये इम्प्लीमेंट की जाएगी एज ए लोन फ्रॉम हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA। इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी का एक्सपोर्ट अभी बैन कर दिया है, अभी मई की है, एकदम लेटेस्ट है, क्योंकि इस कमोडिटी का जो डोमेस्टिक प्राइस है वो बहुत बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं कौन सी कमोडिटी, अगर आप इस टाइप की न्यूज मिस कर रहे हैं तो सीरियस चैलेंज है। आंसर है यहाँ पे व्हीट, और व्हीट का जो ग्लोबल प्राइस है करीब 40% बढ़ा है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो इंडिया ने व्हीट का एक्सपोर्ट अभी बैन कर दिया है, क्योंकि इंडिया में जो डोमेस्टिक व्हीट प्राइस है वो भी बढ़ रहे थे, और व्हीट और लार्ज पॉपुलेशन, इट्स ए स्टेपल डाइट स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो व्हीट ही मेन चीज है। और फूड प्राइस में अगर आप देखेंगे इसमें इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है, जिसमें व्हीट का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। लास्ट प्रश्न है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आर
VRR की जो लिमिट है, वॉलंटरी रिटेंशन रूट के अंदर जो लिमिट है, वो अभी आरबीआई ने बढ़ाकर कितनी कर दी है, अप्रैल 2022 में ये बढ़ाई है, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, तो इंडिया इस समय एनकरेज करना चाहेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो उसके लिए लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दीजिए, हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इस पे। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप में आत्मविश्वास रखिए, जब आप अपने आप में विश्वास रखेंगे तब आपको मेरी ये बातें ज्यादा समझ में आएंगी, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर फॉर द एग्जाम। और आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं hello@examby.com पे या 9205240228 पे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।